दौलतपुरा क्षेत्र में राजस्व विभाग ने शराब माफियाओं का थोड़ा अतिक्रमण किया जमीन दो। माफिया अभियान के तहत मंगलवार को दौलतपुरा स्थित पासी मोहल्ले में एक और शराब माफिया की संपत्ति को प्रशासन ने जमीन दोज कर दिया, जिसमें शराब माफिया के कच्चे और पक्के मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस मामले को लेकर कुछ दिन पूर्व ही अमला मौके पर पहुंचा था, जहां विवाद की स्थिति विनिमित होने तथा स्वर्ण अतिक्रमण हटाने की बात पर अमला बैरन लौट आया था। परंतु एक सप्ताह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी जब अतिक्रमण नहीं तोड़ा गया तो ऐसे में मंगलवार को तहसीलदार कलेक्टर के निर्देश पर अपने और नगर निगम के दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण तोड़ने की कार्यवाही आरंभ की गई। देखते ही देखते नगर निगम के बुलडोजर और निगम के अल्ले ने शराब माफिया के पक्के और कच्चे अतिक्रमण को तोड़ भवन जमीन दोज कर दिया गया। इस संबंध में मौके पर मौजूद तहसीलदार मुकेश काशर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की मंशा माफियाओं की संपत्ति को नष्ट करने के तहत जिला कलेक्टर के निर्देश पर शराब माफिया की अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति को भारी सुरक्षा बल की उपस्थिति में तोड़ा गया। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा भू माफिया, ड्रग्स माफिया और अन्य माफियाओं के राज से प्रदेश को मुक्त कराना है। इसी कड़ी में यह कार्यवाही की गई है। कार्यवाही में राजस्व विभाग, नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी ने 2 घंटे से अधिक की कड़ी मेहनत के बाद भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। तहसीलदार ने बताया कि यह कार्यवाही आगे भी निरंतर चलती रहेगी। DNC न्यूज के लिए दानिश रजा खान की रिपोर्ट।